जय श्री राम भाइयों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि आज श्री राम जी के मंदिर का इनॉग्रेशन होने वाला है एंड मैंने माइनक्राफ्ट में राम मंदिर बनाने की कोशिश की है। जैसे कि आप देख सकते हो एग्जैक्टली सेम राम मंदिर तो नहीं है, लेकिन मैंने उससे मिलता जुलता एक प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने की कोशिश की है। ये राम मंदिर बनाने में मुझे 7 से 8 घंटे लगे हैं और मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने श्री राम जी का मंदिर कैसे बनाया है। तब तक आप इस राम मंदिर के सिनेमैटिक्स देखो, वीडियो के एंड में बहुत ज्यादा अच्छे सिनेमैटिक्स आने वाले है, तो वीडियो को पूरा देखो। एंड जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया है जल्दी से जल्दी लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पे मैं राम मंदिर बनाने की प्लानिंग करता हूँ और पूरे डायमेंशंस प्रॉपरली मार्क करता हूँ एंड फिर राम मंदिर बनाने के लिए शुरुआत कर देता हूँ। हाँ, ये राम मंदिर बनाने के लिए मैंने सबसे मेन चीज जो देखी है कि जो राम मंदिर है ना उसकी दिशा पूर्व होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने उस हिसाब से ये राम मंदिर बनाया ताकि सूरज की पहली किरण प्रभु श्री राम के चरणों में हो और हमारे सारे मंदिर जो रहते हैं वो पूर्व दिशा में ही रहते हैं। आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा कि मंदिर बहुत ज्यादा सुंदर लगता है जब सूर्योदय हो रहा होता है। अब जल्दी से इस मंदिर को बनाते हैं, मैं आपको फाइनल रिजल्ट दिखाता हूँ। Oh,
ये हमारा मंदिर पूरा बनकर रेडी हो चुका है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये श्री राम जी का मंदिर कैसा लगा। यहाँ पे मैंने प्रभु श्री राम के चरण रखे हैं। साइड में जाते ही यहाँ पे राम जी के धनुष बाण वगैरह सब अस्त्र रखे हुए हैं। जब भी सूर्योदय होता है तो नजारा इतना ज्यादा अच्छा लगता है। सूर्योदय हो रहा है और नजारा बहुत ज्यादा सुंदर दिख रहा है। बस गाइस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करना और कमेंट्स में जय श्री राम लिख देना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब के लिए बाय।